हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूसी ब्राउज़र में जब भी आप कोई वीडियो फाइल डाउनलोड करते हैं और या कोई फ़ोटो या कोई MP3 या कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो यूसी ब्राउज़र में ही प्ले होता है। वो आपके MX प्लेयर में वीडियो नहीं जाता और गैलरी में भी आपके वो वीडियो नहीं शो करता और फाइल मैनेजर में भी आपको नहीं पता लगता कि वो वीडियो कहाँ पर है। और आपने उस वीडियो या मूवी को पेन ड्राइव में भी डालना होता है तो आपको वो भी नहीं पता चलता कि वो उसको पेन ड्राइव में कैसे डालें, क्योंकि वो वीडियो यूसी ब्राउज़र में ही प्ले होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और ये देखिए, ये मैंने अपना यूसी ब्राउज़र खोल के रखा है और मैं आपको अपना डाउनलोड का फोल्डर भी दिखा देता हूँ। ये मैं अभी डाउनलोड ये खोल रहा हूँ और ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर रखी है और एक MP3 सॉन्ग डाउनलोड किया है और ये एक फ़ोटो डाउनलोड की है। ये मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये एक फ़ोटो है और ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की है। ये पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है, ये देखिए, ये मैं आपको ये सॉन्ग भी दिखा देता हूँ। ये सॉन्ग नहीं चलेगा, इनवैलिड स्टोरेज पैथ आ गया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा यहाँ पे तो दिख रहा है पर ये मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ये गैलरी में शो नहीं करेगा और ना ही फाइल मैनेजर में ये वीडियो शो करेगा। और आप इसको पेन ड्राइव में भी कैसे डाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप अपना फाइल मैनेजर खोल लीजिए और फाइल मैनेजर खोलने के बाद ये मैं देखिए, ये अपना यूसी ब्राउज़र का जो फोल्डर है वो खोल रहा हूँ। यूसी डाउनलोड, ये हमको यहाँ पे ये फाइल नहीं मिलेगी। जो मैंने मूवी डाउनलोड की है वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगी और वो MP3 और फोटो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको वीडियो फाइल कहाँ मिलेगी और वो फ़ोटो और वो MP3 सॉन्ग कहाँ पे मिलेगा। ये दो सेटिंग बताऊँगा, आप दोनों में देख लेना। इसके लिए आप अपना फाइल मैनेजर खोलिए और ये इंटरनल स्टोरेज में जो ये यहाँ पे एक फोल्डर होगा एंड्रॉयड के नाम से, ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉयड का फोल्डर आ गया। इस फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए और फिर डाटा पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे यूसी ब्राउज़र का लोगो बना होगा, वो लोगो भी देख लीजिए। ये साइड में लोगो बने आ रहे हैं, ये देखिए यूसी मोबाइल INTL लिखा हुआ है। इस पे क्लिक कर दीजिए और फाइल पे क्लिक कर दीजिए। और किसी किसी को तो यहाँ पे मिल जाते हैं वो जो फाइलें आपने डाउनलोड की हैं, अगर वहाँ पर आपके नहीं शो कर रहे तो किसी किसी को तो यहाँ पे ही मिल जाते हैं वो फाइलें। मेरी वो फाइलें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, इसका कारण भी मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। यहाँ से आप बैक हो जाइए। और बैक होने के बाद ये इंटरनल स्टोरेज पे एक बार क्लिक करके अपने SD कार्ड में चले जाइए और यहाँ पे देखिए, ये यूसी ब्राउज़र का यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है और यहाँ पे सबसे ऊपर एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर होगा। इस फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद ये डाटा लिखा हुआ है, डाटा पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउज़र का लोगो बना होगा। ये साइड में ये लोगो बने आ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये यूसी ब्राउज़र का लोगो बना होगा।
ये लिखा हुआ है यूसी ब्राउजर, यूसी मोबाइल एंड टेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद ये फाइल पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, ये फ़ोटो और MP3 सॉन्ग आ गया। और ये वीडियो का जो फोल्डर बना हुआ है, इस वीडियो के फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, ये हमारी जो मूवी मैंने डाउनलोड की थी, यहाँ पे है वो। और यहाँ से इस मूवी को ये आप मूव कर दीजिए, अपने मोबाइल के किसी फोल्डर में करिए इसको। चाहे तो आप SD कार्ड में कर सकते हैं, चाहे इंटरनल स्टोरेज में भी कर सकते हैं। ये मैं इसको पेरेंट का मेरा फोल्डर बना हुआ है एक, उसमें मैं मूव कर रहा हूँ। आप इसको पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं सीधा अपने। और ये मैं अपना MP3 सॉन्ग और फोटो दोनों को मूव करूँगा यहाँ से। अब हमारी वो फाइल गैलरी में भी शो करेगी और मिक्स प्लेयर में भी शो करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये देखिए, ये मैंने वहीं पर चला दी फिल्म, ये नहीं तो ये हमको शो ही नहीं करती, ये सीधा यूसी ब्राउज़र में ही शो करती है। पर आज भी किसी को पता नहीं कि वो कहाँ से आया। और ये देखिए, ये मैं आपको अब वो सॉन्ग भी चला के दिखा देता हूँ। वो हमारा सॉन्ग अब प्ले हो जाएगा। इसको आप अपने पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं आप। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो ये प्रॉब्लम हमको क्यों आती है, और ये हमारी फाइलें हैं ये इधर क्यों चली जाती हैं, ये जो उसी डाउनलोड वाले फोल्डर में क्यों नहीं जाती। ये मैं अपना यूसी ब्राउज़र खोल रहा हूँ। ये नीचे 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारी ये फाइलें अब यहाँ पे नहीं चलेंगी, क्योंकि ये फाइलें हमने वहाँ से मूव कर दी हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, वीडियो फाइल नॉट एक्सिस्ट। और ये MP3 सॉन्ग भी नहीं चलेगा, और ये फ़ोटो भी नहीं चलेगी यहाँ पे अब। और ये मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइलें वहाँ पे जाती क्यों हैं, प्रॉब्लम आती कहाँ से है। ये सेटिंग के निशान पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और डाउनलोड सेटिंग और डाउनलोड पैथ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप अपना वो इंटरनल स्टोरेज लगाएंगे तो शायद वो फाइलें वो आपके यूसी डाउनलोड में ही जाएंगी, या तो फिर इंटरनल स्टोरेज के एंड्रॉयड में भी जा सकती हैं। यहाँ पे मैंने SD कार्ड लगाया हुआ है, इसलिए वो फाइलें वहाँ पे चली जाती हैं। यहाँ पे SD कार्ड का कोई भी फोल्डर हमसे यहाँ पे वो चूज़ करने को नहीं कहता, और फोल्डर ही नहीं आता वो चूज़ करने का कोई, इसलिए वो फाइलें SD कार्ड के एंड्रॉयड डाटा में चली जाती हैं। आप वहाँ से वो फाइल मूव कर सकते हैं और फिर अपनी पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं उस फाइल को, वीडियो को, मूवी को, जो भी है आपकी। इस तरह से आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।